हेलो फ्रेंड्स, केमिति अछन्ति आपमाने। आज आमे आसिछु जनरल साइंस रो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन, जहाँकि आपंकर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, LSI, SSC बैंकिंग, रेलवे एग्जाम सहित CTBD, RIMN एभलि समस्त प्रकार गवर्नमेंट एग्जाम पई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हेबो। यार PDF पई आपन माने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जांतु, जार लिंक आमे वीडियो डिस्क्रिप्शन रे देइछु। आ वीडियो जे आपनकु हेल्पफुल हुए तबे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मध्ये करिनंतु। तो फ्रेंड्स चलंतु आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करिनबा। तो क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेटल फाउंड इन ब्लड, यानी कि आम रक्त रे को प्रकार मेटल अछि। ए सब ऑप्शन देछि, ऑप्शन देखि के आरो उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानबा। तो सटीक उत्तर ला ऑप्शन नंबर बी, जोटिक ला आयरन, यानी कि आम रक्त रे आयरन अछि। जार उपस्थिति कौथे अच्छी आम हिमोग्लोबिन अच्छी, जा द्वारा कौन होता है आम शरीर रक्त माध्यम ऑक्सीजन संचालन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच सॉल्ट इज फाउंड इन बोन इन द लार्जेस्ट अमाउंट, यानी कि कौ प्रकार सॉल्ट आम बोन रही अधिक परिमाण में। ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलत सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोटा कहला कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट नामक एक सॉल्ट जोटा कि आमर हाड़ अच्छी, बोन अच्छी, जार उपस्थित कौन होता है आम बोन स्ट्रेंथ बढ़ी था, बोन शक्तिशाली होता है, रिजिडिटी होता है, जहाद्वारा आम को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मिलता है एवं आम यहाँ सब प्रकार कार्य करना किसी दुधार आ सब प्रकार काम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त जमाट बांधापी को प्रकार विटामिन आवश्यक। ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलत सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जोटा कहला विटामिन के, यानी कि विटामिन के आवश्यक रक्त जमाट बांधापी, जहाँकि कौन करता है एक प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करता है, जहाँ फल आमर रक्त जमाट बांधिया प्रक्रिया स्टार्ट होता है एवं जहाँ फल कौन होता है ब्लड ब्लीडिंग बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 4, इन आवर बॉडी ब्लड डज नॉट क्लॉट ड्यू टू व्हिच प्रोटीन, यानी कि आम शरीर भितर जो रक्त अच्छी ता जमाट बांधि न थाए, यानी कि ता तरल अवस्था थाए, तरल अवस्था रहिबार कारण कौन, यानी कि को प्रकार प्रोटीन आम शरीर भितर थिबा ब्लड को तरल अवस्था रखे हेल्प करथाए। ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोटा कहला हेपारिन, यानी कि हेपारिन एक आंटी कोगुलांट प्रोटीन होता है, जहाँकि प्रिभेन्ट करता है ब्लड क्लटिंग को, यानी कि रक्त जमाट बांधे प्रिभेन्ट करता है, जहाद्वारा आम शरीर भितर जो रक्त अच्छी ता फ्लुइडिटी मेन्टेन करता है, यानी कि तरल अवस्था थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर, यानी कि आम शरीर जो हेयर अच्छी, चुट्टी अच्छी, चुट्टी रे को प्रकार प्रोटीन अच्छी। ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोटा कहला केराटिन, यानी कि केराटिन नामक एक प्रोटीन जोटा कि आम हेयर अच्छी, जहाँकि एक प्रकार फाइब्र स्ट्रक्चरल प्रोटीन एवं जार हेल्प द्वारा आम चुट्टी सिल्की होता है, स्ट्रंग होता है, आउ लंबा लंबा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप व्वाज डिस्कवर्ड बाय होम, यानी कि एम तो कौ सैंटिस्ट जी ब्लड ग्रुपिंग करते, यानी कि ए बी ए बी ओ ए टाइप ब्लड ग्रुपिंग करते। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले एवं चलत सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोटा कहला कैल लैंड स्टेनर, यानी कि कैल लैंड स्टेनर जे कि साइंटिस्ट 1901 मसीह ब्लड ग्रुपिंग करते, जहाद्वारा सी नोबेल पुरस्कार पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट टाइप ब्लड ग्रुप, यानी कि क्यों प्रकार ब्लड ग्रुप को आमर यूनिवर्सल रिसीवर कह। ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलत सठिक उत्तर जानवा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोटा कहला ए बी पॉजिटिव, यानी कि जो मान पाखे ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अच्छी
ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ତ ଆଣିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ୍ ରହିପାରିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଏବି ପଜିଟିଭ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ତ ଆଣିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ହୁଇଚ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡୋନର, ଏଣିକି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଓ ନେଗେଟିଭ, ଏଣିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ନେଗେଟିଭ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡୋନର ଟାଇପ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋକ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେୟାରେଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ଟାଇପ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍, ଏଣିକି ଆମ ମଣିଷ ପାଖରେ କେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣ ଦେଖାଇଥାଏ, ଏଣିକି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଏବି ନେଗେଟିଭ, ଏଣିକି ଏବି ନେଗେଟିଭ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ପପୁଲେସନ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମିଳେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏଟାକୁ ଏକ ରେୟାରେଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଛି କିପରି ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଛି, ଏହା କେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍। ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ, ଏଣିକି ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ ଜଣେ ଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଫିଜିସିଆନ୍, ଯିଏକି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କିପରି ହେଉଛି, ଆଉ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବେଳେ ହାର୍ଟର କାମ କ'ଣ, ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କିପରି ହେଉଛି, ତାହା ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ବିସି, ଏଣିକି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ର ଜୀବନକାଳ କେତେଦିନ, ଏହିସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟା କହିଲେ 120 ଦିନ, ଏଣିକି 120 ଦିନ ପରେ ଆର୍ବିସି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ୟା ଫେର୍ ମରିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲ୍ପ କରେ, ସ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାହା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12କୁ ଯିବା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଭିୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆର୍ବିସି, ଏଣିକି ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଆର୍ବିସି ସେଲ୍ ଅଛି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁସ୍ଥଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସ୍ପ୍ଲେନ୍, ଏଣିକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆର୍ବିସି ଅଛି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁସ୍ଥଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗ୍ରେଭିୟାର୍ଡ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା କହିଲା ସ୍ପ୍ଲେନ୍, କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସ୍ପ୍ଲେନ୍ ଠାରେ ଆର୍ବିସି ସେଲ୍ର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆର୍ବିସି ସେଲ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାହା ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଥାଏ ସ୍ପ୍ଲେନ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗ୍ରେଭିୟାର୍ଡ କୁହାଯାଇଥାଏ ସ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ, କାହାର, ଆର୍ବିସିର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦ ବଡି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦ ବଡି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସ୍ପ୍ଲେନ୍, ଏଣିକି ସ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦ ବଡି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସ୍ପ୍ଲେନ୍ ଠାରେ ଆମର ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ଶରୀର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ଆର୍ବିସି ଆଉ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ସ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦ ବଡି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ହୁଇଚ୍ ହରମୋନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହରମୋନ୍, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ହରମୋନ୍କୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହରମୋନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍ ହରମୋନ୍, ଏଣିକି ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍ ହରମୋନ୍ ଯାହାକୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏପିନେଫ୍ରିନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହରମୋନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏହା ସେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ
ट्रेन सिचुएसन आसी थाए यहाँ पर डेंजर विपद सिचुएसन जो भूत देख डरी जावा से सिचुएसन फ्लैट एवं फाइट सेन्स रिलीज होता है आम बडी रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा क्वेश्चन नंबर 15 डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ व्हिच हार्मोन यानी कि आम शरीर में कौ हार्मोन अभाव डायबिटीज होता है ये सब ऑप्शन देती ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा तार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो इंसुलिन यानी कि आम शरीर यदि इंसुलिन ठीक परिमाण में रिलीज न हुए यानी कि इंसुलिन यदि अभाव हुए तेज आमको कौ रोग होता है जोटा कि डायबिटीज जोटा कि रेगुलेटिंग कौन करता है आमर ब्लड सुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स यानी कि एड्स फुल फॉर्म कौन ये सब ऑप्शन देती ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा तार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटा कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जहाँकि कौन पाई होता है आम एच आई वी वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस द्वारा होता है जहाँकि आम शरीर रोग प्रतिरोध शक्ति को काटिदे थाए बहुत कमजोर कर दे थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 17 एड्स इज कॉज्ड बाय व्हिच वायरस ये सब ऑप्शन देती ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस यानी कि एच आई वी द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 18 वर्ल्ड एड्स डे वाज ऑब्जर्व्ड व्हिच डेट यानी कि वर्ल्ड एड्स डे केबे ऑब्जर्व कराई थाए ये सब ऑप्शन देती ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा तर सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो फर्स्ट डिसेम्बर यानी कि प्रथम जानुरी आम वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेशन कराई थाए कहीं कराई थाए आम अवेयरनेस करने लोकों भितर सतर्कता आने यानी एड्स पेंडेमिक एड्स क्षतिकारक को जनवाई या आलर्ट करने दिवस मनाई थाए आद्वारा कते लोकों जीवन हानि हो देखापी ए दिन मनाई थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द मेन कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस यानी कि व्हिच इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस तो यही सब ऑप्शन देती ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा तार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो मिथेन यानी कि बायोगैस हो कि नेचुरल गैस हो जो थे आम मेजर कंपोनेंट रोचे कौटा मिथेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 20 आज लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन एम भितर कौ प्रकार विटामिन जोटा फैट्रे सॉल्युबल हो जाए यानी कि फैट्रे मिसी जाए ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा तार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो विटामिन ए डी ई के यानी कि कीड़ा विटामिन ए डी ई के मैंने फैट सॉल्युबल होता यानी कि फैट्रे मिसी जाता आउ बॉडी रे फैटी टिश्यू रे स्टोर होगी था। तो ये थिला आज मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन जहाँकि आप एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल रोज यार पीडीएफ आपण मैंने टेलीग्राम ग्रुप जो नहीं जातु आउ वीडियो दे आपको हेल्पफुल होती तेज चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ आई टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखापी ये प्लेलीस्ट गुड़ी निश्चय विजिट करूँ जहाद्वारा ये क्वेश्चन आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रो फाइनल कह थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।